भिवानी में महाराणा प्रताप जयंती पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने महाराणा प्रताप को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप संघर्ष के प्रतीक है और भारतवर्ष के राष्ट्रपुरुष हैं। इस मौके पर जेई की परीक्षा में ब्राह्मण जाति पर पूछे गए विवादित सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इससे समाज को ठेस पहुंची है। इस मामले में जो भी गलत होगा जांच कर दोषी पाए जाने पर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। महाराणा प्रताप भारत के राष्ट्रपुरुष हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी हैं। महाराणा प्रताप ऐसे राष्ट्रीय महापुरुष हैं हिंदुस्तान के, वो संघर्ष के प्रतीक हैं, वो स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, वो हमारा स्वाभिमान है, वो हमारा मान है, वो हमारा सम्मान है। हल्दी घाटी का चप्पा चप्पा हमारा लिए तीर्थ है। और अभी डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा जयपुर यूनिवर्सिटी के पीएचडी उनकी इस विषय पर समाप्त हुई है और उन्होंने ये बात पूरी दुनिया को प्रमाणित की है कि महाराणा प्रताप एक ऐसे शख्स थे जो कभी किसी से हारे नहीं। 50 साल के हरियाणा में हमारी ही सरकार ऐसी है जिसने रेगुलर टीचर्स को भर्ती किया है और आज महाराणा प्रताप जयंती पर पूरे देश को मैं सलाम करता हूं और महाराणा प्रताप की मूर्ति को माल्यार्पण भिवानी में हमने करते हुए महाराणा प्रताप चौक पर भाजपा के सभी प्रमुख कार्यकर्ता अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं। महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए आज हम संकल्प करते हैं कि महाराणा प्रताप इस देश के, महाराणा प्रताप केवल एक बिरादरी के नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रपुरुष हैं। आज हम उनको नमन करते हैं।